जब भी किसी को वोट देते हैं तो वो आपको 5 साल के लिए अपनी मर्जी से उठता है, मर्जी से मिलता है, अपनी हमारी लाइनें लगवाता है, अपना घर भरने लगा हुआ है। कृपया करके इस बार आज़ाद उम्मीदवार पढ़े लिखे किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो ना खरीदे ना बिके ना आए जाए किसी पार्टी में, और अपनी ही ईमानदार पार्टी आप लोगों के भाई भतीजे पोते बच्चे में से मेंबर बनाए। यह 50 किलोमीटर के एरिए में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, उसका क्या होगा? इस रेफरेंडम से क्लियर हो जाएगा भी लोग चंडीगढ़ राज्य में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको 240 दिन जिनको हो गए काम करते हैं उनको हम नियमित करते हैं। जो लोग ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने खुद कर्ज लिया है, 5 लाख का मैंने SBI से लोन लिया है, आप ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, मैंने नहीं लिया हो तो। और जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं कोई इतना सक्षम नहीं है कि सांसद का चुनाव लड़ सके, लेकिन मेहनत इतनी कर रहे हैं जी तोड़। ये लवली सवेरे से निकलता है शाम तक पैदल यात्रा करता है, इनके फादर हैं, चाय का काम है इनका, और चाय का काम होने के बावजूद भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मैं भी हूँ, हम भी सवेरे निकलते हैं रात को घुसते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि ये जो रिवायती पार्टियाँ हैं ये आपका फ़ायदा नहीं कर सकती हैं। मैं पुष्पिंदर सिंह उर्फ लवली गाँव अटावा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कैमरा चुनाव निशान के साथ आप सबको संसद सीट चंडीगढ़ के लिए वोट करने की पुरजोर अपील कर रहा हूं। कृपया मुझे मौका दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? चंडीगढ़ मुझे वोट क्यों करे? कृपया करके जिस तक ये मेरा लीफलेट पहुंचा है वो तो उसे ध्यान से पढ़िएगा, अगर नहीं पहुंचा तो फेसबुक पे पिन अप किया हुआ LOVELY AWTAWA लवली अटावा ID इंस्टा और फेसबुक पर आप मेरी मेहनत देख सकते हैं। 17 अप्रैल से मैं 37,000 पर्चा पूरे चंडीगढ़ में गाँव कॉलोनी में मैं डाल चुका हूँ। मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ, मैं लाइन नहीं लगने देना चाहता, मैं भीड़ नहीं लगने देना चाहता, तीसरी चीज़ कार्ड मुक्त भारत देश बनाना चाहता हूँ। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी लाइनें लगी अभी भी कम नहीं हुई है। आप जब भी किसी को वोट देते हैं तो वो आपको 5 साल के लिए अपनी मर्जी से उठता है, मर्जी से मिलता है, अपनी हमारी लाइनें लगवाता है, अपना घर भरने लगा हुआ है। कृपया करके इस बार आज़ाद उम्मीदवार पढ़े लिखे किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो ना खरीदे ना बिके ना आए जाए किसी पार्टी में, और अपनी ही ईमानदार पार्टी आप लोगों के ही भाई भतीजे पोते बच्चे में से मेंबर बनाए। कृपया करके मुझे वोट देके कैमरा को सफल बनाए। मैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन जनता में रहने के लिए परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए जनता के बीच काला पीला होने के लिए निकला हूँ। कृपया एक बार मौका दे के देखें, इस बार आज़ाद उम्मीदवार को 70 साल से हमारे आपके बुजुर्ग ठगते चले आ रहे हैं। कृपया करके इस बार आज़ाद उम्मीदवार को आप पढ़े लिखे अपने ही जद्दी उम्मीदवार, जो अटावा गांव मेरा जद्दी है, 56 कमरों का मकान है, सब सुविधा संपन्न इंसान हूँ, परिवार की सारी जिम्मेदारी पूरी करके मैं काला पीला होने के लिए आपके बीच में निकला हूँ। कृपया करके आप मुझ में भरोसा जताइए और मुझे सफल बनाइए, फिर दिल्ली जाके देखिए सांसदों को कैसे नचाता हूँ। चारों कैमरे ऊपर लगा के सर, इसमें पहले अपने लीफलेट में लिखा है पहले ही पहले में कि 24 घंटे और 7 दिन मैं अपने आप को लाइव कर दूंगा, आप मेरे को लोकेशन हमेशा के लिए देख पाओगे। अब तनख्वाह नहीं लूँगा, तनख्वाह की जो सैलरी मिलती है उसी में 25 लोगों को रोजगार दे दूँगा। मेरे अगर विचार जानेंगे सर आप तर जाएंगे, इसे पढ़िएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रताप सिंह राणा है और मैं चंडीगढ़ से आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजेश राठौर जी हैं, राजेश सिंह राठौर, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय राजपूताना पार्टी, और इन्होंने आज चंडीगढ़ में आकर के मुझे अपना समर्थन दिया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरे मेरे साथी हैं नवतेज जी हैं, ये भी प्रत्याशी थे लेकिन इनका नामांकन किसी कारणों से रद्द हो गया, और इन्होंने भी मुझे अपना समर्थन दिया, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि चंडीगढ़ जैसे शहर के बीच में ना जो जितनी भी रिवायती पार्टियाँ हैं पहले रहे हैं जो अब हैं, उन्होंने इस शहर को खोखला कर दिया है। चंडीगढ़ में आज 50% सरकारी मकान खाली पड़े हैं, जिसके बारे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि इन मकानों का क्या किया जाना है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, अगर नौकरियां दी होती तो ये सरकारी मकान खाली ना होते। आपके सामने एग्जांपल है, सरकारी मकान आज खाली पड़े हैं। हम कहते हैं कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है आजीवन, जब तक वो जिंदा है वो मकान में रहे, उससे क्या होगा कि एक तो सेक्टरों की बसावट रहेगी, दूसरा जो लोकल बिजनेस है वो अपने शोरूम बेच के मोहाली पंचकुला नहीं जाएंगे, वो वहाँ बसे रहेंगे। दूसरा, जो खाली मकान पड़े हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं उनको मकान दे सकते हैं।
या फिर जो लोकल बिजनेसमैन जो 15-20 साल से हैं लोकल बिजनेस कर रहे हैं उनसे भी रेंट लें, उनको भी दें मकान, लीज पे दें मकान, मकान मेंटेन रहेगा, अभी खंडर हो रहे हैं मकान आपके, और सरकार की इनकम बढ़ेगी और लोकल बिजनेस भी स्टैंड रहेगा। इस बारे में किसी भी रिवायती पार्टी ने आज तक ना कोई सोचा ना कोई बात की है। एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा मेरा यह है कि हम जनता के बीच में गए हैं कि चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे दिलवाना है। कई पत्रकार भाइयों ने मेरे से सवाल किया कि आप ये कैसे संभव है, चंडीगढ़ तो बहुत छोटा सा है, स्वतंत्र राज्य का दर्जा इसको कैसे दिलाएंगे। हमने उनसे कहा है कि अगर आदमी की विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। देखिए चंडीगढ़ के आसपास जो ट्राई सिटी बोलते हैं, मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, बद्दी हो गया, पंचकुला हो गया, यहाँ 50 किलोमीटर के एरिए में एक जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसका क्या होगा, इस रेफरेंडम से क्लियर हो जाएगा भी लोग चंडीगढ़ राज्य में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अगर बहुमत में वो फैसला आता है कि चंडीगढ़ में शामिल होना चाहते हैं तो वो बिल के तौर पे मैं संसद में पेश करूँगा और उसके बाद इसको राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब अलग राज्य बनेगा तो उसके फायदे देखिए कितने होंगे। यहाँ पे जो बाबूशाही चल रही है, अफसरशाही चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर अपने MLA होंगे, अभी जैसे कहीं हमारे देखे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सांसद की सीट तो एक है, एक ही सांसद बनेगा, लेकिन कल को यहाँ पर अगर विधायिका का गठन होता है, ये जितने भी हमारे बेचारे समाज सेवी हैं इनका एक अंदर भावना है कि हम कुछ करें, लेकिन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सामने टिक नहीं पाते, तो कम से कम अपने इलाके में कोई विधायक बनेगा, कोई इनमें से मुख्यमंत्री बनेगा, एक राज्य का गठन होगा, तो कल को याद करेंगे भी हाँ किसी आदमी ने ये बात उठाई थी और इस चंडीगढ़ राज्य का गठन हुआ। चंडीगढ़ का राज्य गठन होने से बहुत सारी समस्याओं का हम निवारण कर सकें, जैसे कि अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनको 240 दिन जिनको हो गए काम करते उनको हम नियमित करेंगे, उसके लिए हम पॉलिसी लेकर के आएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, शहर को टोटल हमने जो है सिग्नल फ्री करना है, इसके पीछे पूरा रोड प्लान है। कई मीडिया के भाइयों को मैं बता चुका हूँ कि ली कार्बुज़िए ने जब शहर की संरचना की थी 15 सेक्टर के बीच में एक छोटा सा अंडर पास बनाया था कि 50 साल के बाद या 60 साल के बाद जब भी ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो आपने इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अब क्या हुआ गया, 7 सेक्टर से 19 सेक्टर में आना है तो आपको मध्य मार्ग से राउंड अबाउट से घूम के आना पड़ेगा। जो मेन रोड का ट्रैफिक है वो तो है ही है, लेकिन जो लोकल ट्रैफिक है वो उसको बाधित कर रहे हैं। अगर हम ये कनेक्टिविटी कर देते हैं तो लोकल ट्रैफिक मेन रोड के ट्रैफिक को बाधित नहीं करेगा। और ये इनके इनको भी सोचना चाहिए था, ये इतनी तनख्वाहें लेते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं और बड़े बड़े शहरों में ये घूम के आते हैं, वहाँ से कोई पॉलिसी तो लेके आते। एक तरफ कहते हैं ये एक हेरिटेज सिटी है, दूसरी तरफ यहाँ पर मॉल कल्चर लेके आ रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? आपने 17 सेक्टर को आज बिल्कुल इसका बिजनेस ख़त्म करते जा रहे हैं। जितने भी युवा आज आ रहे हैं पंजाब से, हिमाचल से, वो एलंत्री की तरफ मुँह करते हैं। हम इसके बारे में पॉलिसी लेकर के आएंगे। जो रौनक 17 सेक्टर की आज से 10 साल पहले हुआ करती थी उस तरह की रौनक दोबारा लेकर के आएंगे। इसी तरह सुखना लेक को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह हम जो है डेवलप करेंगे। धन्यवाद।